संकट से गुजर रही है। देखिए और 2024 में जो लोकसभा विधानसभा चुनाव संभावित हैं, समय के पूर्व होने जा रहा है, इसीलिए ये अक्टूबर तक चुनाव संभावित है। हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव 2 महीना के अंदर में होने जा रहा है, 2-3 महीना अंदर चुनाव आयोग द्वारा जो संकेत मिली है। झारखंड जो कि 6 महीना बाकी है, 6 महीने से कम है, तो एक साथ होने जा रहा है, इसलिए सितंबर तक, सितंबर सेकेंड वीक में, सितंबर में अधिसूचना जारी हो सकती है और अक्टूबर से चुनाव है। और ये इसको देखते हुए झारखंड पीपुल्स पार्टी के बैनर तले हम ऐसा विकल्प तैयार करने जा रहे हैं, ना सत्ता पक्ष मतलब JMM की सत्ता पक्ष कांग्रेस, ना विपक्ष BJP गठबंधन, तीसरा पक्ष, तीसरा विकल्प सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में जो है बनने जा रहा है। 81 सीट पे उम्मीदवार खड़ा करेंगे और उम्मीदवार हमारा एजुकेटेड डेडिकेटेड होगा, ना दागी होगा ना बागी होगा, फेयर पॉलिटिक्स एंड फ्रेश लीडरशिप होगा, जो एक बार भी चुनाव नहीं लड़ा हो, जो घपला घोटाला नहीं किया हो, आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं हो, दारू बेचने वाला और बंदूक पकड़ने वाला ऐसा नेता नहीं चाहिए, हमें चाहिए पढ़ा लिखा व्यक्ति। और इसीलिए 24 वर्षों के अंदर में 13वां मुख्यमंत्री देखने को मिला, चाहे शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री हो, चाहे अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री हो, चाहे हेमंत सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बने, चाहे रघुवर दास 5 साल कार्यकाल पूरा किया हो, यहाँ स्थानीय नीति, यहाँ रोजगार नीति, आरक्षण नीति, यहाँ पर जो भी CNT SPT एक्ट, यहाँ का बेरोजगारों को रोजगार देना और यहाँ का भ्रष्टाचार को खत्म करने में नाकाम है, इसलिए पक्ष भी नहीं विपक्ष भी नहीं, तीसरा विकल्प झारखंड पीपुल्स पार्टी करेंगे। किसी सीट आएंगे उम्मीद है? उम्मीद तो भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग लड़ेंगे। इस बीच में बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं और समान विचारधारा होंगे, खतियान को आधार मानते हुए स्थानीय नीति परिभाषित करना है, और वो अगर हमारा कोई नीति समान विचारधारा वाले आएंगे तो ऐसे व्यक्ति को एक एक सीट पे हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। यह मारांगोम के जयपाल सिंह जो झारखंड पार्टी शुरू किया, उसका झारखंड आंदोलन जनक, उसका भी बेटा जयंत जयपाल सिंह से संपर्क में है। एनी होरो के बेटा, एनी होरो बहुत पुराना नेता है, बागुन सुमराई का रिश्तेदार चाईवासा, विनोद बिहारी महतो का धनबाद, AK राय का अपना जो पार्टी, तो तमाम लोग ऐसे जो झारखंड अलग राज निर्माण में अहम भूमिका रही है, ऐसे पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर के, BJP को छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर तीसरा विकल्प हम लोग बना रहे हैं। हम उजागर करना चाहते हैं, ये जो अभी आज के अखबारों में आया है कि 3000 करोड़ का कमीशन हुआ है ग्रामीण विकास विभाग में, आलमगीर आलम के विभाग में, उसका भी उजागर हो चुका ED द्वारा, CBI द्वारा। मेरा आकलन है करीब 1,00,000 करोड़ झारखंड में घोटाला घपला हुआ है इन 24 वर्षों में। ये जो है ना नेतृत्व के नाम से परिवर्तन हुआ है, मुख्यमंत्री बदला है, तस्वीर बदली है, चेहरा बदला है, मोहरा बदला है, लेकिन यहाँ के हालात नहीं बदली है। हालात बदलना है, व्यवस्था बदलना है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है और नौजवानों को हाथ में बागडोर देना है, तो 2024 में झारखंड का विधानसभा चुनाव में झारखंड की तस्वीर बदलेंगे, झारखंडियों की तभी तस्वीर बदलेगी।